अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मॉड। तो मीन मीडियन एंड मॉड के दरम्यान एम्पिरिकल रिलेशनशिप क्या है? तो अब देखें, अगर कहता है कि इफ़ इन अ सिंगल पीक्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, पहले इतने को समझे कि सिंगल पीक्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन देखें, इसका अगर एक ये सिंगल पीक है, इसका भी एक सिंगल पीक है। अब ये ज़्यादा ही टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, तो इसका भी एक सिंगल पीक है, इस डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक सिंगल पीक है, यानी कि एक सिंगल पीक है उसका पीक वैल्यू, यानी कि सबसे ये ऊंचाई यानी कि उसकी ऐसे बन रही है ना, ये एक पीक वैल्यू है उसकी, यानी कि सबसे ज़्यादा वैल्यू इसकी यहाँ पर है, इसकी यहाँ पर है, इसकी यहाँ पर है। इन अ सिंगल पीक्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ द मीन मीडियन एंड मॉड कोइंसाइड इफ द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज एब्सोल्युटली सिमेट्रिकल। अब इसका मतलब क्या है, अगर एक सिंगल पीक डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पड़ी हो, तो अगर मैं यहाँ पर आपको शेप बना के दूँ, तो इस किस्म की अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन पड़ी होगी, तो इसकी जो पीक है इसके ऊपर ही हमारी मीडियन की, मोड की और मीन की वैल्यू, तीनों वैल्यू हमारे पास कोइंसाइड, यानी कि उनके आपस में जवाब सेम होंगे, साथ साथ होंगे, एक ही होंगे, ठीक है। तो कोइंसाइड द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज एब्सोल्युटली सिमेट्रिकल। तो ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मीन्स कि अगर मैं इसे सेंटर से कट लगाऊं तो 50% डाटा इधर है और 50% डाटा इधर है इसका। अब देखें, बट इफ द वैल्यूज डिफर, अगर वैल्यूज हमारे पास यानी कि मीन की और मीडियन की और मोड की, फर्ज करें कि एक ही वैल्यू यानी कि ये वाली वैल्यू नहीं है, तो क्या है, तो द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज सेट टू बी स्क्यूड और आ एसिमेट्रिक, और एसिमेट्रिक। अब देखें ये एज के साथ ही है एसिमेट्रिक। अगर तो वो कहता है कि हमारे पास मीन मीडियन और मोड की वैल्यू सेम नहीं है, तो हमारे पास जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो क्या होगी, एसिमेट्रिक। तो एसिमेट्रिक कुछ इस तरह की होती है, ये देखें, ये भी एक एसिमेट्रिक है, ये भी एक एसिमेट्रिक है, ये भी एक एसिमेट्रिक है। तो यानी कि बस बिल्कुल उसका, यानी कि इस तरह ना हो कि 50% इधर हो, 50% इधर होना, ऐसी शेप ना बन रही हो, तो वो एसिमेट्रिक है। अब एसिमेट्रिक अगर हमारे पास कोई ऐसी शेप पड़ी हो ना, ठीक है, ये से कहते हैं जे शेप, और एक्सट्रीमली स्क्यूर्ड, तो ये वाली हमारे पास यानी कि शेप नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ये आगे हम पढ़ेंगे कि नहीं होनी चाहिए, तो मैंने ये साथ ही आपको बता दिया। अब हम थोड़ा सा और इसे लिखते हैं, तो देखें, अब मैंने आपको एक डायग्राम प्रॉपरली बना के बताई है, देखें तो जो हमारे पास इस तरह की डायग्राम, ये हमारे पास क्या है, यूनी मॉडल कर्व। तो आपने जब हम पिछला देखा होगा लेक्चर्स, तो उसमें हमने जब मॉड वाला किया था, उसमें हमने बताया था कि अगर हमारे पास एक डाटा है तो उसकी अगर एक ही है, देखें यानी कि जो पीक पॉइंट है उसका एक है, तो ये क्या है, यूनी मॉडल। जब हमारे पास पीक पॉइंट ऐसे दो होंगे तो ये क्या है, हमारे पास बाई मॉडल, और जब टू से ज़्यादा होंगे तो हमारे पास क्या होता है, मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी, ठीक है। तो इस वक्त ये हमारे पास क्या है, यूनी मॉडल कर्व है ऑफ मॉडरेट स्क्यूनेस। तो मॉडरेट स्क्यूनेस यानी कि देखें, अगर हमारे पास ऐसी शेप होती तो ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक से ये हट जाती है थोड़ा सा, यानी कि डिस्टेंस ये सेपरेट, यानी कि पहले से डिस्ट्रीब्यूशन से थोड़ा सा इधर हो जाए या इधर हो जाए, 50% से इधर हो जाए या इधर हो जाए, ठीक है, डिफरेंट थोड़ा सा हो जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, मॉडरेट कहेंगे। थोड़ा सा भी हो, ज़्यादा भी हो, मॉडरेट होगा। लेकिन अगर हमारे पास इस किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन बन जाए, ये देखें ये, तो ये क्या होती है, ये हमारे पास होती है कि जे शेप्ड और एक्सट्रीमली स्क्यूर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारा जो, ये देखें नीचे मैंने रिलेशन लिखा है, ये वाला रिलेशन ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। हमारी अगर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, थोड़ी सी मॉडरेटली स्क्यूड है, मतलब कि सिमेट्रिक नहीं है लेकिन सिमेट्रिक से थोड़ी सी हटके है, ठीक है, थोड़ी सी आगे पीछे है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम एम्पिरिकल रिलेशनशिप हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जब वो बिल्कुल ये जे शेप वाली होगी, तब तो हमारा ये एम्पिरिकल रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये रिलेशन है क्या, पहले रिलेशन से पहले देखें कि जब हमारे पास एक यूनी मॉडल कर्व ऑफ मॉडरेट स्क्यूनेस होती है, तो जो मीडियन होता है, देखें मीडियन जो होता है वो मॉड और मीन के दरम्यान एक सैंडविच होता है, ठीक है। सैंडविच होता है मतलब ये कि जब भी ये, अगर ये इस तरह की शेप है ना, अगर ये शेप मैं चेंज कर दूँ और ऐसे कर दूँ, तो इस वक्त भी देखेंगे तो यहाँ पर आपका मॉड है और ठीक है, यहाँ पर मीडियन होगा
और ये फिर यहाँ पर भी जो मीडियन है ना वो क्या है हमारा सेंटर में ही होगा, तो मोड और मीडियन की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन जो हमारे पास क्या है मीन एंड मोड की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन जो मोड है वो सेंटर, इन दोनों वैल्यूज के सेंटर में ही रहेगा। ये आपको क्लियर हो गया? आप देखें तो अच्छा, अगर किसी को ये नहीं ना समझ आया था कि ये इसमें मैंने कहा था कि मीन की और मॉड की और मीडियन की वैल्यू चेंज होगी, तो वो नेक्स्ट चैप्टर्स में जब आप देखेंगे ना, तो ये होता है कि हम पॉजिटिव स्क्यूर निकालते हैं, नेगेटिव स्क्यूर निकालते हैं, तो उनके रिलेशन होते हैं, यानी कि मैं कहूँगा कि मॉड जो है वो ग्रेटर देन है मीडियन के, ठीक है, और फिर ग्रेटर देन होता है वो मीन के, इस तरह के रिलेशन होते हैं, तो उसमें ये था। अब और जो मैंने ये पहले बताया था कि आपको ये हमारे पास ये क्या है स्क्यूनस है, मॉडरेटरी स्क्यून, तो ये डिपार्चर डिपार्चर होता है, यानी कि जो सिमेट्रिक से डिपार्चर है, यानी कि सिमेट्रिक यहाँ है तो उससे थोड़ा सा डिपार्चर करके इस तरफ को आ गया या उस तरफ को चले गया, तो वो इस चीज़ को कहते हैं। अब देखें, अब मैंने आपको बता दिया कि जो हमारे पास एक, अगर हमारे पास एक्सपीरियंस हमें क्या बताता है कि अगर यूनी मॉडल कर्व है हमारे पास ऑफ मॉडरेट स्क्यूनस की, तो मीडियन हमारा सैंडविच होता है किसके दरमियान में, मॉड और मीडियन के दरमियान में। तो जब ऐसे होता है तो हमारे पास इस रिलेशनशिप को हम जाहिर करने के लिए हमारे पास जो रिलेशन होता है वो ये है इक्वेशन कि मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो इसके ज़रिए हम हमारा एम्पिरिकल रिलेशन यानी कि मॉड की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, अगर ये वैल्यूज हमें दी जाए और मीडियन की वैल्यू कहा जाए, यानी कि अगर आपके पास मॉड भी दे दिया जाए मीडियन भी दे दिया जाए और कहें कि एम्पिरिकल रिलेशन के ज़रिए आप मीडियन की वैल्यू फाइंड करें, तो आप मॉड की वैल्यू पुट करके मीडियन की वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं और इस तरह बाकी दो भी निकाल सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।